आईएएस पुष्पा सत्यानी ने संभाला चूरू जिला कलेक्टर का पदभार, यह रहेगी प्राथमिकता। आईएएस पुष्पा सत्यानी ने रविवार को चूरू जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया है। चूरू पहुंचने पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा अधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि चूरू जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार को लेकर काम किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा का दायरा बढ़े और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो सके, इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जनसेवा के प्रकल्पों में सुधार करने की रहेगी। इस क्षेत्र में उन्हें लंबा अनुभव है, उनका प्रयास रहेगा कि इसका फायदा चूरू जिले को मिले। कलेक्टर ने कहा कि आगामी महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य सही ढंग से हो सके, इसके लिए मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि नव मतदाताओं को अधिकाधिक जोड़ा जाए। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने की भी उन्होंने बात कही। आपको बता दें कि आईएएस सिद्धार्थ सिंह की जगह पुष्पा सत्यानी को चूरू जिला कलेक्टर लगाया गया है। सिद्धार्थ सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव लगाया गया है। पुष्पा सत्यानी मूलतः बीकानेर की रहने वाली है, उनको पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा ये पहले एडीएम और एसडीएम के पद पर भी रह चुकी हैं। तो अभी क्योंकि आगामी चुनाव का ही टाइम है तो उसके मद्देनजर पूरा फेयर एंड अच्छे से चुनाव हो सके इसकी प्रायोरिटी रहेगी। वोटर लिस्ट जो प्रोडिक्शन चल रहे हैं उसमें ये जो कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारा नाम छूट गया वोटर्स का, ये सब थोड़ा सा अच्छे से रह जाए ताकि लास्ट मोमेंट पे बाद में प्रॉब्लम्स नहीं रहे। तो इसका अच्छे से प्रचार प्रसार ऑलरेडी किया गया है कि जो लोग अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं वो लोगों के पास अभी टाइम है, वो लोग अपना काम करवा लें। और दूसरा जो विकसित भारत का अभी एजेंडा चल रहा है हमारा, वो अभी जैसे रिव्यू कर रहे थे कि 22-23 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन प्रायोरिटी सेक्टर रही है मेरे, क्योंकि मैं पहले आरएमएससी और उससे भी जुड़ी हुई रही हूँ हेल्थ सेक्टर से। तो जो अभी चिरंजीवी वर्सेस वो जब जो चल रहा है उसका इश्यूज नहीं है, कॉमन एक तो एजेंडा कॉमन है कि एक हर एक चीज को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मिलनी चाहिए, तो जो फोकस है वो उसी पे ही है। और दूसरा जो एजेंडा है एजुकेशन का कि अभी जिस तरह से चल रहे हैं स्कूल और उनका प्रॉब्लम।